गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक पोएम सीखी थी जिसका टाइटल था वेक अप। कल हमने उसे इंग्लिश में पढ़ना सीखा था कि उसे कैसे हम रीड करेंगे। आज हम उसी पोएम का हिंदी मीनिंग सीखेंगे और उसको समझेंगे कि उस पोएम में पोइट कहना क्या चाह रहा है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे वीडियो को, आपको मीनिंग नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछेंगे, और उसके बाद मीनिंग समझने के बाद आप कॉपी में जैसे मैंने लिखा हुआ है इस पोएम को, इस वीडियो को ध्यान से देखकर वैसा ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं, उसका मतलब देखते हैं कि इसमें पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। देखिए, वेक अप वेक अप, उठो उठो, इट्स अ लवली डे। जब भी इट के बाद या किसी भी सब्जेक्ट के बाद कोमा लगा के एस होता है तो इसका मतलब होता है इज, तो इट इज़। तो हम इसे इट इज़ भी पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ लवली डे, या इसे इकट्ठा पढ़ सकते हैं इट्स, इट्स कहेंगे, इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, कहते हैं ओह कृपया उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़, पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं, एंड यू कैन हीयर द बजिंग बीज, और तुम मक्खियों की भिनभिनाहट सुन सकते हो। वेकअप वेकअप, उठो उठो, इट्स अ लवली डे, यह एक प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, ओ कृपया उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, वो कहता है यह बहुत देर है बिस्तर पर लेटने के लिए। सो हरी अप यू स्लीपी हैड, इसलिए आलस छोड़ो और तुम जल्दी उठो, वॉश एंड ड्रेस, नहाओ और नए कपड़े पहनो, एंड कम ऑन आउट और बाहर निकलो, एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट, हर कोई उठ गया है और बाहर है, द काउ द हॉर्सेस द डक्स, गाय घोड़े बत्तख, एंड द शेप भेड़, द टीनियस चिकन मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, चीप 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 आवाज़ कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उनकी साउंड को, मुर्गी के छोटे बच्चे को चिकन कहा जाता है, मुर्गी के यंग वंस को, और उनकी जो साउंड होती है उनके यंग वंस की, वो होती है चीप चीप चीप। वेक अप, उठो। इस तरह से आपने पोएम पढ़ी। इस पोएम में पॉइंट जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है कि उठो, ये एक प्यारा दिन शुरू हो गया है, आओ बाहर खेलो, पेड़ों पे पक्षी गा रहे हैं, मक्खियों की भिनभिनाहट हो रही है, उठो और खेलो, ये बहुत देर तक आप मत लेटो, जल्दी उठो, आलस छोड़ दो, नहा लो, नए कपड़े पहनो, बाहर निकलो, हर कोई बाहर आ गया है, सारे जानवर बाहर आ गए हैं, जैसे गायें घोड़े बत्तख भेड़ मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे, ये भी आवाज़ कर रहे हैं, चीप 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 कर रहे हैं। इस पोएम को आपको ध्यान से देखना है, उसे लिखना है, और आप सब भी कोशिश करेंगे जल्दी उठने की, जल्दी उठिए, योगा करिए और अपने आप को ठीक रखिए।